मुंबई में मामले तो कम हो रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा सही है या गलत इसको लेकर बीएमसी असमंजस में है, जिसका कारण है कोरोना की सेल्फ टेस्टिंग किट। पिछले कुछ दिनों में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने सेल्फ टेस्टिंग किट मेडिकल से खरीदा तो है, लेकिन नतीजा तो बीएमसी के साइट पर अपलोड ही नहीं किया। ऐसे में आप इनमें से कितने पॉजिटिव है और कितने नेगेटिव, ये पता करना लगभग नामुमकिन सा है। सेल्फ एंटीजन किट के इस्तेमाल के लिए बीएमसी ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, क्योंकि कुछ लोग किट खरीद कर कोविड पॉजिटिव आने पर जानकारी छुपा रहे थे। अब इस पर लगाम लगेगा। सेल्फ एंटीजन किट्स को लेकर बृहन मुंबई महानगर पालिका और फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के द्वारा अब लगाम लगाने का प्रयास हो रहा है। जिस तरीके से एंटीजन किट्स को लेकर डिस्पेंसरी, मेडिकल स्टोर्स और केमिस्ट्री के दुकानों पर जिस तरीके से उसे देने की बात किया जा रही थी, लोग उसका दुरुपयोग कर रहे थे, लेकिन अब इसकी जो है पूरी डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से अब उसे ऑथराइज किया जाएगा, अब इस पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने शुरुआत की है, आप इसे ईमेल आईडी के द्वारा आप जो है इसकी पूरी देखरेख की जाएगी, जिसकी ईमेल करके आप hometestings@gmail.com और फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के द्वारा whogmp.mahafda@gmail.com ईमेल आईडी के द्वारा जो है आप ईमेल कर सकते हैं, और ICMR की वेबसाइट्स पर यह पूरी जानकारी जो है अब रखी जाएगी, जिससे लोग जो है एंटीजन किट्स की जो है लोग इसको छुपाए थे, अपनी जानकारी छुपाते थे, क्योंकि कोविड पॉजिटिव रिजल्ट आते थे, जिसे देखकर सरकार ने, बीएमसी ने और फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने अब इस पर कड़े निर्बंध लगाते हुए अब इसकी देखरेख करते नजर आएंगे। इस दिशा निर्देश के बाद अब ये उम्मीद है कि मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों का सही आंकड़ा सामने आ पाएगा। राहुल शुक्ला के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई।